महाविकास आघाड़ी में सीएम फेस को लेकर फिलहाल उद्धव ठाकरे के चेहरे पर मुहर नहीं लगी है। सहयोगी दल कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी ने चुनाव बाद इस पर फैसले की बात कही। इस बीच एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने यह दावा किया कि कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी एसपी उद्धव ठाकरे की पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि आने वाले समय में यह गठबंधन भी टूट जाएगा। महाविकास आघाड़ी में सीएम फेस को लेकर फिलहाल उद्धव ठाकरे के चेहरे पर मुहर नहीं लगी है। सहयोगी दल कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी ने चुनाव बाद इस पर फैसले की बात कही। इस बीच एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने यह दावा किया कि कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी एसपी उद्धव ठाकरे की पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि आने वाले समय में यह गठबंधन भी टूट जाएगा। महाविकास आघाड़ी में सीएम फेस को लेकर फिलहाल उद्धव ठाकरे के चेहरे पर मुहर नहीं लगी है। सहयोगी दल कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी ने चुनाव बाद इस पर फैसले की बात कही। इस बीच एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने यह दावा किया कि कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी एसपी उद्धव ठाकरे की पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि आने वाले समय में यह गठबंधन भी टूट जाएगा।